हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नई हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मूंग दाल का डोसा। यहाँ पर हम ग्रीन होल मूंग दाल यूज करेंगे, तो ये खाने में जितनी ही टेस्टी होगी सेहत के लिए उतनी ही हेल्दी होगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मूंग दाल का डोसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 कप होल मूंग की दाल ली है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप चावल। चावल डालने से डोसा क्रिस्पी बनता है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इन्हें अच्छे से धो लेंगे और फिर 7 से 8 घंटे के लिए हम इन्हें सोख होने रख देंगे। तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम डोसे के लिए एक अच्छी टेस्टी सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 लहसुन, 1 प्याज इस तरह से लंबाई में कटा हुआ, 1/2 कटोरी धुली हुई चने की दाल, 2 स्लाइस में कटे हुए टमाटर, 2 सूखी हुई लाल मिर्च जिसे इस तरह से हम तोड़ के डाल रहे हैं। एक बार सारी चीजों को अच्छे से सौते कर लेंगे हम। ये देखिए, अच्छा ट्रांसलूट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और 3 से 4 मिनट हमें इसी तरह इसे कुक करना है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी होती है। 3 मिनट के करीब हो गया है और आप देख रहे होंगे कि सब्जियां काफ़ी ट्रांसलूट हो गई हैं। तो अब हम इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड करेंगे और पानी के एक बॉयल आने तक हम इसे चलाते हुए इसी तरह से कुक करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से बॉयल आ गया है। गैस की आंच अब हम बंद कर देंगे और इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, तभी हम ग्राइंड करेंगे। चलिए तो अब फटाफट से चटनी को ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम टमाटर प्याज को इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से चन कर लेंगे। तो है ना बिल्कुल इजी सी चटनी की ये रेसिपी। ये देखिए, चटनी रेडी हो गई है। एक बार इसकी थिकनेस आप चेक कर लीजिए कि कंसिस्टेंसी आपको कैसी चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने मिक्सर में ही पानी डाला और वो ही पानी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब ये मुझे परफेक्ट लग रही है। चटनी के लिए हम तड़का रेडी करेंगे। तो एक पैन रखेंगे, इसमें हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 8-10 करी पत्ते डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून राई डालेंगे और ये देखिए तड़का रेडी हो गया है। तो इसे चटनी में हम डाल देंगे और ये हमारी टेस्टी यमी सी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब मूंग दाल का डोसा रेडी करते हैं। तो ग्राइंडर में मूंग और जो चावल हमने सोख करके रखा था उसे डालेंगे। पहले हम 1/2 ही मूंग को पीसेंगे, बाकी के मूंग को हम बाद में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें और ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया। अब बचे हुए मूंग और चावल को भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 4 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ, आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, आप चाहें तो थोड़ा पानी और ऐड करें और इसे अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए, मूंग दाल डोसे के लिए हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को हम सेट कर सकें। यहाँ पर अभी भी मुझे ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो यहाँ पर 1/2 कप पानी मैं और ऐड कर रही हूँ और एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब हम डोसे के लिए फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 ग्रेट किया हुआ गाजर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम एक एकदम टेस्टी और हेल्दी सी फीलिंग रेडी कर लेंगे। तो है ना ये बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। तो देखिए, बैटर भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। गैस पर हम एक नॉनस्टिक पैन रखेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून के करीब हमने ऑयल डाला है। अब एक साफ कपड़ा या टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से इस तरह से फैला देंगे।
टेम्परेचर को सेट करने के लिए यहाँ पर पानी की कुछ बूंदें मैं डाल रही हूँ, जिससे कि डोसा क्रिस्पी बनेगा। और फिर से इन्हें हम कपड़े से इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब आपको जितना बड़ा डोसा बनाना है उस हिसाब से चम्मच लीजिए, उसमें मूंग दाल का बैटर भरिए और जिस तरह से हम डोसे को फैलाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे भी हमें फैलाना है। तो कितना पतला आपको बनाना है ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। डोसा जितना पतला होगा उतना ही क्रिस्पी होगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने ये फैला लिया। डोसे को क्रिस्पी बनाना है तो इस पे थोड़ा सा इस तरह से तेल आप डाल दीजिए या बटर, जो भी आपको पसंद हो, और फिर इस पे जो हमने इसके लिए फीलिंग बना के रखी थी वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये फीलिंग बिल्कुल स्टीम में अच्छे से कुक हो जाती है और प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप देख रहे होंगे कि एक ब्राउन सी इस तरह से लेयर आपको दिख रही होगी, इट मीन्स कि डोसा नीचे से अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। तो फटाफट से इसे रोल कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम रखिए, नहीं तो डोसे का कलर नीचे से बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए हम इसे रोल कर रहे हैं और देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी सा डोसा बनकर रेडी हुआ है। है ना एकदम मज़ेदार सी रेसिपी। चटनी तो हमने पहले ही बना के रख ली थी, तो फटाफट से चटनी के साथ हम ये डोसा सर्व कर देंगे। हेल्दी टेस्टी डोसा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे डोसे हम बना लेंगे। पैन को एक बार अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद जो बैटर हमने रेडी किया था उसे फटाफट से इस तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा देते हैं, जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी थी वो भर देते हैं, और जब इस तरह से हल्का ब्राउन लगे तो इसे रोल कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा एकदम हेल्दी सा टेस्टी सा डोसा बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।